नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जंगल की आवाज में। यह एक नेचुरलिस्ट फाउंडेशन की तरफ से एक पॉडकास्ट पहल है, जहां हम आपको वैज्ञानिक खोज इत्यादि के बारे में बताते हैं। पर आज आपके लिए मैं कुछ अद्भुत लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे दिलीप गुप्ता जी के साथ, जो कि पेशे से तो UX डिजाइनर है, पर वाइल्ड लाइफ की तरफ झुकाव के कारण उन्होंने अपना टूर कंपनी स्टार्ट कर दिया एवियन टूर्स करके। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सर, मैं होप करती हूँ आप एकदम अच्छे से हैं घर पर। तो हम आज यहाँ पर हैं, ये जंगल की आवाज नेचुरलिस्ट पॉडकास्ट है, ये नेचुरलिस्ट के तरफ से। हम सबको अलग अलग तरीके से वाइल्ड लाइफ में हम आए हैं, तो आप कैसे वाइल्ड लाइफ की तरफ आकर्षित हुए थे? एक्चुअली ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे ज्वाइन हुआ ये सब चीजों में। बट जहां तक मुझको याद है कि लास्ट जब बचपन में गांव जाता था, तो वहां पे घर के पास ही नीम का पेड़ था, और गांव में काफी महुआ, जिसे हम लोग गर्मियों में उसका फल हम लोग खाते, तो वहां पे काफी सारे पेड़ है, तो वहां पे कुछ पंछियों को देख लेता था। तो जो घर के नीम के पास जो पेड़ है नीम का, उसमें गिलहरियां और मैना ये सब आते थे, तो काफी अच्छा लगता था उनको देख के। और लकीली मैं मुलुंड में जब रहता था वहां पे, सो वो जहाँ रहता था वो क्लोज टू इसके था, संजय गांधी नेशनल पार्क, तो वहां पे खेलना कूदना। हाँ, कभी वाइल्ड लाइफ नहीं, मतलब जानवर्स नहीं देखा वहां पे, पर ये जरूर काफी ग्रीनरी वैसे सब देखता तो काफी अच्छा लगता था। पर एक दो इंसिडेंट्स याद है मुझको, वो भी यहाँ का नहीं, गांव का। ऊपर मैंने आई थिंक वो वुडपेकर था या कुप्पू था, याद नहीं मुझको, क्योंकि काफी अराउंड में 10 इयर्स का रहूंगा शायद से। तो पेड़ पे कुछ ढूंढ रहा था, खा रहा था, चोंच मार रहा था अपना, तो वो काफी अच्छा अजीब सा लगा था मुझको, और काफी I mean, उसे काफी टाइम तक देखता रहा मैं। और शायद उसी दौरान या उसके आगे पीछे गांव के बाहर पहले जब कोई कैटल गाय भैंस या कोई जानवर मर जाया करता था, तो उसे बाहर गांव के बाहर छोड़ दिया करता था, तो जो चमड़े निकालने वाले आते थे उसे चमड़ा निकाल के फिर उसे वैसे छोड़ दिया करते थे। तो मैंने देखा था वो एक आदमी चमड़ा निकाल रहा है, कोई तो जानवर था, और चमड़ा निकालने के बाद वहां पे गिद्ध उसके आसपास काफी दूरी पे बैठे हुए थे, उस टाइम पे काफी काफी गिद्ध मतलब। फिर मैंने अपने गांव में जब एक ही दो देखा है, फिलहाल हम लोग उस पर बात करते, तो मैं वो देखते रह गया कि जब तक वो आदमी चमड़े निकाल रहा है जानवर के डेड बॉडी से, तब तक वो गिद्ध काफी दूर बैठे हुए, और जैसे वो हटता है सब आके उसको खाने लगते हैं। डॉग्स भी थे ऐसे वहां पे, तो अब गिद्ध तो दिखते नहीं। अब वो जो जगह था पहले, वो जगह तो पूरा I mean, पेड़ काट दिए गए, और वहां पे अब मार्केट लगता है, वहां कंस्ट्रक्शन हो गए गाँव के जैसा। पर जब मैं 2014 में गया था, 10 साल बाद गाँव, तो काफी रिग्रेट हुआ कि जैसे गांव में गया वैसे मैंने फर्स्ट जो फोटो खींचा वो था इजिप्शियन वल्चर का, और मैंने देखा था और इतना अच्छा लगा ना, मेरा पहला फोटो, और फ्रेंकली बोल तो मेरा फर्स्ट जूम लेंस था, गांव जाने से 2 दिन पहले मैंने खरीदा था उसे, और जाके पहले ही फोटो उसका लिया जो मेरे लिए लाइफर भी था उस वक्त, और लाइक बहुत अच्छा फोटो है, काफी खुश था मैं। फिर काफी कुछ बर्ड्स वहां पे अच्छे अच्छे बर्ड्स मिले, मैं अनएक्सपेक्टेड था, मैंने वर्ड ईटर देखा, फिर ब्लैक रेड स्टर्ट देखा, वो भी तो ब्लैक रेड स्टर्ट तो ऐसे है कि लाइक घर पे चाय पीते पीते वर्ड ईटर दोनों को देखा था मैंने, मैं अमेज हो गया, मैं काफी खुद को कोस रहा था कि मैं 10 साल बाद क्यों आया और मैं इतना लेट क्यों ये वाइल्ड लाइफ में घुसा। तो ये सब ये काफी बुरा लगता है।
हाँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है, डेवलपमेंट के वजह से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो जाता है, अगर हम गांव की बात करें या शहर की भी। एवरीवेयर एवरीवेयर, वैसे सब जगह। आप सिटीज में तो छोड़ ही दीजिए, अभी मुंबई, थाने, सब और भी सिटीज में आप 1 महीना उस रोड से ना जाए तो आप 1 महीने बाद जब आपको मालूम पड़ता है यहाँ तो ये था, तो गायब हो चुका है, बहुत बुरा लगता है। अब वैसे है तो सर, आगे बढ़ते हुए जैसे कि आप वाइल्ड लाइफ टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपकी आपने उसकी शुरुआत कैसे की? मतलब आप वाइल्ड लाइफ में आए 2014 में, तो 2014 के बाद कैसा से आपने वाइल्ड लाइफ टूर्स ऑर्गेनाइज करना चालू किया, क्या सोचकर? एक्चुअली 2014 में ऐसे नहीं बोलूंगा कि मेरा स्टार्टिंग था, अराउंड 2012 के आसपास शुरू किया था मैंने। बट जो लेंस लिया था 2014 में, फर्स्ट लेंस था, उसके पहले तो दोस्तों से, एक दोस्त से मांग के कुछ 1800 300 mm था निकन का, वो यूज करता था। फिर मैंने सिग्मा का 150 500 लिया। पर 2012 से स्टार्ट किया था मैंने बर्डिंग वर्डिंग करना, आसपास जाना, तो ठीक है। पर तो ये शुरुआत ऐसे हुआ कि लोग समझते कि एक ऐसा बिजनेस करना है, ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ऑलरेडी अच्छा खासा जॉब चल रहा था, मेरे को कोई इश्यू नहीं था उसके साथ। बट यस, काफी लोग ना मेरे को पूछते थे कि आप यहाँ पे जा रहे हो तो कैसे जाना है, क्या करना है, हमें भी चलना है। तो मैंने बोला ठीक है, जरूरी नहीं कि एक बिजनेस जैसा ही देखा जाए, बट है एक हॉबी जैसा हम लोग इसको कर सकते हैं और लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। काफी लोग को ऐसा लगता है कि अकेले जाने में प्रॉब्लम होगा, कोई हेल्प चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने शुरू किया ऐसा था ये। और क्या, हर आप एक जगह पे कई बार जाना मेरे को काफी अच्छा लगता है। कोई भी लोकेशन सर्च करना या ढूंढना, एक ही बार बार उसी लोकेशन पे जाना, तो उसको रिपीट कर फील अच्छा लगता है वहां पे जाके चीजों का। ओके, तो फिर आपने वैसे वैसे मतलब लोगों ने आपको पूछा, तो आपने धीरे धीरे करके वाइल्ड लाइफ टूर्स सबके साथ जाना शुरू कर दिया। ओके, नाइस। राइट, तो सर, अभी हम ट्रेल्स पे जा रहे हैं या ट्रैक पे जा रहे हैं, तो वहां पे आप कंजर्वेशन कैसे फैला रहे हैं? यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ये चीज है, तो आप वहां के लोगों तक या अपने पार्टिसिपेंट जो आपके साथ जा रहे हैं वो लोगों को कैसे बता रहे हैं? हाँ, ये एक इन सब चीजों में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप फोटो ट्रेल पे जा रहे हो या नॉर्मल बर्डिंग कर रहे हो, तो पहले तो मैं अपने पार्टिसिपेंट को बोलता हूँ, जो मैं पार्टिसिपेंट नहीं बोलता हूँ, मैं उनके साथ ये कहता हूँ कि आप भी फ्रेंड्स जैसे हो, साथ में चलते हैं, एक फैमिली टाइप रहेंगे हम लोग वैसा। बट कुछ जो एकदम कॉमन नॉर्म्स है वो तो फॉलो करना ही है सबको, लाइक गंदगी नहीं करना है कहीं पे, शोर शराबा जरूरी नहीं है, लोकल्स की इज्जत करो, उनके साथ कुछ मिसबिहेव मत करना कभी, क्योंकि वही मतलब वो काफी अच्छे हैं वहाँ पे, हर जगह पे लोकल्स काफी अच्छे हैं, जब तक आप उनके साथ मिसबिहेव मत करो। वैसे कंजर्वेशन के हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ कि लोकल्स को भी ये बोलो कि आप जितना हो सकता है आप डेवलपमेंट के साथ इन सब चीजों को भी मेंटेन करो। और जरूरी नहीं कि काफी लोग करते कि उनको कुछ डोनेशन देना है, सब वैसा नहीं सोचता हूँ मैं। पर हाँ, ये ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके लोकल्स को साथ में लेके चलना है उन सब जगहों पे, और वाइल्ड लाइफ को कम नुकसान पहुंचाए सब काम करना है। और बर्डिंग के टाइम पे ये ट्राई करता हूँ कि जितना कम चेज हो सके, लोग फोटोग्राफी में ज्यादा चेज करते हैं, या तो मैं कोशिश करता हूँ जितना कम चेज हो सके उतना कम चेज करो बर्ड्स को। और वो होता क्या कि वो चेज करते वक्त हम यहाँ वहां से जाते हैं, तो काफी सारे प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचता है, तो कोशिश करता हूँ कि वो जितना हो सकता है आउटसाइड से बर्डिंग हो जाए। ओके, तो आप लोगों को ये बताते हैं कि मतलब जरूर मतलब पीछे नहीं भागना है, अगर कोई बर्ड वहां पर है तो उसका पिक्चर लीजिए, उसका हैबिटेट वगैरह डिस्ट्रॉय मत करिए। हाँ राइट, वैसे पूरा फोकस वैसे होता है। ओके, और बाकी तो नॉर्म चीज है ही उनमें कि आप गंदगी नहीं करना है, आपको इधर शोर शराबा जरूरी नहीं।
तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप बता सकते हो जहाँ पे लोकल लोगों ने, यानी वहां के जो लोकल पीपल है वो लोगों के साथ आपने इन्वॉल्वमेंट किया है, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा है लोकल लोगों के साथ वहां के? मुझको याद है, अभी जैसे मैं ट्रिप में जाता हूँ तो ना मैं कोशिश करता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप उनको आप अपने साथ ही लेके चलो तो उनका उनका हेल्प हो जाएगा। तो कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी परचेसिंग है लाइक मैं जब ट्रिप में जाता हूँ तो मैं फ्रूट्स बिस्किट्स और ये सब अपने पार्टिसिपेंट के लिए लेता हूँ मैं हमेशा, जिससे उनको कहीं रूट में या जब हम लोग बर्डिंग करते जाए तो किसी को भूख लगे तो उस वक्त खा सके, कुछ वो पिट रहे उन सब चीजों से। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि ना, एक दो बार क्या, कई बार, पर मुझे जो याद आ रहा है मैं चोपता में गया था तो हमारा बर्डिंग करते करते काफी टाइम हो गया था, हमें याद भी नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि होटल में जाने से अच्छा वहाँ लोकल्स के साथ ही को बोले कि खाना बना दो, जो भी है आपको पिक कर दे। तो ये एक एक अच्छा इनिशिएटिव था, लाइक मेरे को काफी मतलब गाइड ने और मैंने वही डिसाइड किया तो काफी लोगों सब लोगों को भी अच्छा लगा कि हाँ, पहले तो लोग थोड़ा हिचक रहे थे कि खाना कैसा होगा ये वो, बट जब खाना बना एकदम देसी वहाँ का लोकल स्टाइल में, लोगों को बहुत पसंद आया, रोटी और वो भाजी, वाह, और हाँ, और वो नींबू था वहाँ पे, हम लोग यहाँ पे माल्टा बोलते हैं उसी टाइप का एक नींबू होता है वहाँ, तो वो काट के दिया था। और ऐसा नहीं कि एक प्लेट में दो तीन ही पीस मिलेगा, आपको जितना चाहिए हम उतना देंगे, ऐसा है। लाइक होटल्स में कैसे होता है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, लोकल्स ऐसा नहीं करते हैं और ये काफी अच्छा लगता है। इसीलिए जितना होता है इन्वॉल्व उनको इन्वॉल्व करना इन सब चीजों में। और हाँ, उस खाने में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात था, उस उन्होंने जिस सब्जी जिस चीज का सब्जी बनाया था अगर उसको हम बिच्छू कांटा बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा उत्तराखंड में, अगर आप जनरली उसके आसपास टहलते हुए अगर आपका कोई बॉडी पार्ट टच हो जाएगा तो आपको काफी खुशी होगी, और थोड़े टाइम के लिए होता है, अगर आप जितना खुजाओगे उतना खुजली होते चली जाएगा, काफी अचिंग होता है काफी। तो उन्होंने उस चीज का हमें भाजी बना के दिया था, ऐसा है, थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर कहीं से पता चला कि उस चीज का भाजी खाते और काफी पौष्टिक होता है वो सब्जी। और पहले तो वो जो आदमी था वो हिचक रहा था पैसे लेने से, पर हमने उसको इंसिस्ट किया, ले लो अच्छा है, आप ये हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारी हेल्प कर दिया करो, ऐसा है। तो ये सब चीजें करता हूँ। फिर फ्रूट सेलर्स रहते हैं जैसे रास्ते में मिल गए तो बड़े दुकानों से नहीं लेता हूँ, छोटे मोटे ऐसे कोई रास्ते पे लगाया हो तो उनसे लेता हूँ। मोस्टली मेरा ऐसे ही होता है कि जितना हो सकता है इसी हिसाब से लोकल्स की हेल्प करो, जरूरी नहीं कि आप बड़े शॉप में जाके सब चीजें खरीदें, छोटे लोग इस हिसाब से उनको हेल्प हो जाता है। बहुत सही सर। और हाँ, और कभी कभी लोग जैसे जैसे ये इंसिडेंट बताया वैसे ऐसे भी होता है कि एक दो घर मिला कहीं पे तो उनसे चाय बनाने बोलते तो लोग बना के दे देते हैं, ऐसे भी है ये, तो काफी अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके मिनिमम ऐसा लगे भी नहीं कि उनकी हेल्प हो रही है और उनका हेल्प भी हो गया उसका। मतलब लोकल का भी इनकम बनता रहे, वो मेहमान जैसा ट्रीट बनता कर रहे रहा है, हाँ बट हम थोड़ा थोड़ा अगर उनको इनकम उनको भाई, देंगे तो इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और वो लोग ही प्रोटेक्ट करेंगे आखिर में वो फॉरेस्ट को, जब हम वहां पर नहीं है। और ऐसा हुआ भी है काफी लोग ना, इस हिसाब से लोगों ने उस जगह को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है जिससे लोग आए और उनको थोड़ा इनकम भी हो, उनका घर भी चल जाए। वैसे एक बार तो एक काफी बूढ़ी औरत थी, ऐसे बर्डिंग करते करते काफी उधर घूम रहे थे, जस्ट ऐसे कैजुअली पूछा दादी चाय बना दोगे, तो बोले हाँ आ जाओ, हमने कुछ पैसे वैसे का बात नहीं किया, सबने चाय पी अच्छे से, अच्छी चाय थी, सब एंजॉय किए, बर्डिंग करते करते चाय पी रहे, रख रहे, जा रहे, बर्ड मिला इधर उधर भाग रहे, वापस आके चाय पी रहे,
जाते जाते उनको हम 5-6 लोग थे, एक अमाउंट दे दिया उन्होंने, एक अमाउंट दे दिया उन्होंने, थोड़ा हेजिटेट किया उन्होंने, फिर भी हमने दे दिया उनको। उनको ये लोकल होते हैं काफी अच्छे होते हैं, आई मीन उनको पैसे की गरज नहीं रहती है, तो उनको चाहिए रहते हैं पर वो कभी मांगते नहीं है, चाहे आपको घर में मेहमान की तरह बुला लेंगे। हाँ ये इंडिया है ना, यहाँ पे अतिथि देवो भव। हाँ वही है, पर क्या है मालूम है, हम जिस जगह से आते हैं, हमें भले हम इतने अमीर नहीं कि हम पैसा बांटते थे, पर उनको हम थोड़े तो ठीक है, पर उनको देना जरूरी होता है, उसमें थोड़ा उनको हेल्प करना चाहिए जैसे। तो फिर आगे बढ़ते हुए ऐसा, मतलब आपने अभी तक बहुत सारे ट्रेल्स और ट्रिप ऑर्गेनाइज किए हैं, तो अभी ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो जो बहुत फनी था, लाइक पूरा ग्रुप हंस रहा हो, या ऐसा कोई फन इंसिडेंट जो अभी भी आप ऐसे बैठे रहो और आपको अचानक से याद आ जाता हो, ट्रेल्स का या ट्रैक्स का? ट्रेल्स, ट्रैक्स, सफारी, या एक्चुअली सफारी? सफारी। हाँ अभी क्या होता है पता, जब भी ये फ्रेंड का टूर था और एज अ गाइड, एज अ नेचुरलिस्ट, मेरा फर्स्ट ट्रिप था ताडोबा में, तो मैं चाहता था, जैसे हर कोई सोचता ना मेरे को हर एक ट्रिप में टाइगर्स दिखने चाहिए, ऐसे दिखने चाहिए, मतलब वो एक ही, सब लोग ये चाहते कि एक ही ट्रिप में उनको सब दिख जाए, ऐसा है वो। तो एक्चुअली होता तो कभी नहीं है, वाइल्ड लाइफ है वो, स्टूडियो थोड़ी है जो सब आके बैठ के चले जाए, ऐसा नहीं होता, जानवर अपने हिसाब से चलेंगे हमारे हिसाब से। तो हुआ ये, ताड़ोबा गए, मैं पहला था गाय एज अ नेचुरलिस्ट, सब लोग काफी एक्साइटेड थे, रास्ते में बर्ड्स दिख रहे हैं, हाँ ये वो है वो ये है, फोटो खींचे क्या, नहीं 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 हम लोग को पहले जाना है, पहला सफारी करना है, ऐसा सब था। तो ताड़ोबा में गए, गेट के पास खड़े हुए, तो कुछ पेपर की गड़बड़ी की वजह से हमारा, हमारी दो गाड़ियां रुक गई, दो गाड़ी थी, तो मैं उस सबको शॉर्ट आउट कर रहा था, तो सब चले गए, थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना कि पहले निकलो तो आपको कुछ ना कुछ दिख जाता है हैपनिंग वैसा, तो उस हिसाब से सब थोड़े मूड ऑफ हो गए। पर जैसे ही हमने एंटर किया, जैसे ही एंटर किया हमें लेपर्ड दिख गया, वो भी रोड पे हंटिंग करते थे। हम सब खुश हो गए, मतलब हमारी दो ही जिप्सी थी और कुछ नहीं था, किसी का कोई कोई जिप्सी, सब निकल गए थे और वो हंटिंग करते हुए देखा, वो बहुत खुश हुए सब लोग। और उसके बाद हमें बस इतना कुछ हुआ नहीं हमारा। ओके तो इसका उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा लास्ट सफारी पे आ गए हम, ठीक है, फोर्थ सफारी पे, हमें अभी तक टाइगर दिखा नहीं। ओके जबकि एक फैमिली आई थी, उनको रोज वो जाते थे, उनको माया दिख जाती थी, उनमें एक ओल्ड एज थी। वो बोलते है जब भी जाओ हमें माया दिख जाती है, सिर्फ टाइगर ही दिख रहा है, और हम बोल रहे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हम इतना हंस रहे थे, मतलब उनको दिख रहा है, जिन्हें जो फोटोग्राफी करने नहीं आ रहे उनको एक बार दिख गया, दो बार दिख गया, पर जो फोटोग्राफी करने है उनको तो हर बार दिखे, तो पूरे 3-3 घंटे वहां पे बैठे रहे तो भी उनको अच्छा लगता है, पर हमें नहीं दिखा। तो ये लास्ट सफारी था, हम एंटर किए, ड्राइवर यहाँ भगा रहा है, वहां भगा रहा है, यहाँ से वो आ रहा है, वहां से कॉल मिल रहा है, पर हमें कुछ नहीं मिला। तो लास्ट में वो ड्राइवर ने बोला कि सर 10 मिनट है, 15 मिनट यहाँ चले, बोला चलो 15 मिनट इधर लग आजमा लेते हैं। तो गए वहां पे, और दूसरी हमारी जो गाड़ी थी वो कहीं और गई थी, और साथ में चलने कहा था पर वो साथ वो नहीं पाए, वो बीच में अलग हो गए। अब हुआ क्या कि हमें 10 मिनट का टाइम है, ये सोच रहे थे कि टाइगर दिख गया और हमें दिख गया टाइगर, पर हुआ ये 10 मिनट में टाइगर दिखा, और ऐसा हुआ कि ना हमारे जिप्सी में एक फैमिली थी बच्चे के साथ, हस्बैंड वाइफ और बच्चे था, तो जो जो लेडी थी वो बीच में बैठी हुई थी, उनको छोड़ के बाकी सबको टाइगर का एक एक पार्ट दिख गया, पर चेहरा नहीं दिखा किसी को, ठीक है, चेहरा किसी को नहीं दिखा, टाइगर का सबको एक एक पार्ट दिखा, और वो लेडी को कुछ नहीं दिखा, उनको बता रहे वहां पे, बोले मैं कुछ नहीं दिख रहा मेरे को,
मैं हम लोग हंस रहे, बोला थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुए, पर इतना था कि हाँ टाइगर का ग्लिम्प्स मिला। तो टाइगर कहीं अब हम छुपा ये सोच, हुआ था क्या? मतलब हाँ वो झाड़ियों के बीच में से निकल के ओके जा रहा था, ऐसा था, सॉरी हो पता नहीं पाया, तो निकल के जा रहा था। अब हम सोच रहे हैं हमें कम से कम थोड़ा टाइगर दिखा, हम खुश थे, उनके गाड़ी को क्या शायद उनको नहीं दिखा होगा, हमें लगा वो कहीं और होगी। ये सोच के हम जैसे ही गेट के पास आए तो हम तो खुश थे काफी कि थोड़ा थोड़ा पार्टी था, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी गाड़ी आई, उनका चेहरा देख के हम उदास हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर टाइगर देखा, उनको क्रॉस करते हुए टाइगर देखा, और वो इतना नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, मजा आ रहे बाप। एक्चुअली वो जिस जगह से टाइगर पास कर रहा था हम इस तरफ थे, और वो ओके दूसरे साइड तो से के दूसरे तरफ थे उस तरफ, और हम इतना मतलब ठीक है किसको दिखता है किसको नहीं दिखता, पर वो एक बहुत ही फनी मोमेंट था मेरे लिए, तो क्योंकि तो मेरा पहला एज ए नेचुरलिस्ट था, तो हर कोई चाहता कि वो कुछ ना कुछ मेमोरेबल रहे लाइफ में, वो वैसा काफी मजा आया उसमें। लोग तो जाते जाते कम से कम कुछ लोगों को दिख गया, फोटो हाँ दिखाया, काफी खुश थे ऐसे। बहुत सही, अच्छा था। तो सर अभी जैसे कि आप इतने साल से हैं, तो कोई आप एडवाइस या टिप देना चाहोगे जो नेचर लवर है, जो अभी बर्डिंग कंडीशन में, या फिर हम जैसे जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, या कॉमन लोगों को कोई एडवाइस आप देना चाहोगे? पहला एडवाइस यही है जो मैंने गलती किया था, सीधा कैमरा उठा लिया मैंने, ठीक है। आप कैमरा पहले ना उठाए, पहले बाइनोकुलर ले, क्योंकि आप वाह कैमरा लेने जाओगे तो वो जरूर बाइनोकुलर से काफी महंगा होगा, तो आप पहले ना बाइनोकुलर ले, और जितना हो सके बाइनोकुलर से वॉच करें, बिहेवियर देखें, चाहे वो बर्ड हो एनिमल कोई भी, बिहेवियर नोटिस करें, लिखे कुछ इधर उधर पॉइंटर्स देखे कि वो बर्ड कैसे दिख रहा है, उसका लेग कैसा है, उसका बीक कैसा है, आई उसके आंखों के ऊपर लाइंस है या नहीं है, थ्रोट कैसा है, पूरे बॉडी पार्ट को स्कैन करें, जितना हो सकता है मेमोराइज करें, लिखे उसे। मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया करके मुझे आईडी करने में काफी दिक्कत आई शुरू में। तो ओके okay. और दूसरा बात के बारे में पता ये है कि लोग ना शौकिया तरीके से काफी खर्च कर कैमरा ले लेते, और ऐसा नहीं 20-30 हजार 40 हजार, मतलब दो दो तीन तीन लाख बड़े महंगे ले लेते, और कुछ महीने बाद वो लोग का वो इंटरेस्ट गायब हो जाता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले बायनोकुलर ले, वॉक करें जितना हो सकता आसपास जाए, और बिहेवियर नोटिस करें, फिर पता करें आपको करना क्या है, ठीक है। वैसे था पहले सीधा आ, आ, कैमरा की तरफ ना भागे, ये है, कैमरा भी लेना है तो एक पॉइंट एंड शूट लेके सिर्फ रिकॉर्ड के हिसाब से उसको की तरफ देखें, वैसा है कि वो बर्ड्स कैसे दिखते हैं, पूरा ऑब्जर्वेशन पर। हाँ बाद में आप बर्डिंग करें, हाँ, और फिर अगर आप फोटोग्राफी आपको शायद बर्डिंग आता हो या ये सब आता हो, आईडी अच्छा कर, ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट आईडी करने के बाद ही शुरू करें, आई मीन पूरे इंडिया के बर्ड्स उतना तो हो नहीं पाएगा, पर यस कुछ चीजें अगर आपने नोटिस कर लिया तो आप बेसिक चीजें आपने नोटिस कर लिया तो आपको दूसरे बर्ड्स के लिए भी और दूसरे लोकेशंस के लिए भी हेल्प करेगा, वैसा है। तो फिर अगर आपका ये हो जाता है तो आप फोटोग्राफी में जंप करना चाहते हैं, तो फोटोग्राफी में मैं यही कहूंगा कि जैसे मैं सबको एडवाइस करता हूँ, पहले तो ये देखो आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ो, अगर नहीं होता है तो रुको, आपको जो जो आपका आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे यही लेना है, थोड़ा और रुको और वो खरीदो पैसे जमा करके वैसे सब। पर फिर अच्छे फोटोग्राफी के लिए आपको डेली 20-25 फोटो खींचना ही खींचना है, आपको पहले शटर्स खराब करने ही है, जितना हो सकता है करो, आप वो फोटो निकालो और उस पे स्टडी करो कि ये मैंने कौन से सेटिंग में इसको खींचा, तो ये फोटो कैसे आया, ये डार्क क्यों आया, लाइट क्यों आया, इन सब चीजों पे ये आउट क्यों हुआ, इसमें कैमरा में क्या सेटिंग करना चाहिए था कि वो प्रॉपर आ जाता था, तो इन सब चीजों को स्टडी करना करिए,
फिर आपको वाइल्ड लाइफ में काफी मजा आएगा, क्योंकि अगर आप वाइल्ड लाइफ में जाओगे, आपको आइडिया नहीं हो रहा है, आप मिस कर दोगे, आपको कॉल समझ में नहीं आ रहा है, आपका ध्यान कहीं और रहेगा, आप फोटोग्राफी समझ में नहीं आ रहा है, फोकस क्यों नहीं रहा, वो बर्ड उड़ जाएगा, इन सब चीजों में आपको, तो स्टेप बाय स्टेप आप इन सब चीज को फॉलो करो ऐसे। ओके, पहले ऑब्जर्वेशन करना चालू करिए, बाद में। हाँ बहुत अच्छा है, थैंक हाँ यू सो मच। आई थिंक ये जो एडवाइस आपने दिया है वो हर कोई जो ये सुनेगा पॉडकास्ट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले ऑब्जर्व करो, डायरेक्ट फोटोज खींचने मत भागो। अगर फोटो भी क्लिक कर रहे हो तो मे बी फोन से क्लिक करो आईडी के लिए, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लो तो ज्यादा अच्छे आप नेचुरलिस्ट बन सकते हो। बहुत सही बोला आपने सर। शॉर्ट में आप अपने बारे में बता सकते हो, आपके टूल्स के बारे में, या आप मतलब इन शॉर्ट आपको क्या है, क्या काम कर रहे हैं वैसा, मतलब नॉर्मली। हाँ आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, आपका टूर क्या है वैसा आप बता सकते हैं, लाइक जो भी आपको सुनेगा उसको आइडिया मिलेगा कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं फिलहाल। से जैसे मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी एक अच्छा खासा जॉब कर रहा था, तो प्रोफेशनली मैं एक यूएक्स और यूआई डिजाइनर डेवलपर हूँ। फिर मैंने इसमें जंप किया, तो अभी मैं एक मेरा जो वेबसाइट है aviantrips.com, फिलहाल रीडिजाइन में गया हुआ है, वो भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, सब चीजों का एडवांटेज मैं खुद ही ले रहा हूँ वैसे तो। मतलब मैं खुद वेबसाइट भी खुद ही बनाता हूँ, एड्स भी खुद ही बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट भी मैं ही करता हूँ, सब कुछ मेरा वन ही है मैन आर्मी। सोशल मीडिया, वन मैन आर्मी, पर वो ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, देखता हूँ किसी, तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा प्रोसेस ये है कि जो बेस्ट गाइड है लोकल्स को पकड़ो, उनके साथ लोकेशन पेन फॉलो, पहले वहां पे जाके देख के आओ कैसा दिख रहा है, क्या चीजें हैं, होटल्स कैसे हैं, खाना पीना कैसा है, ये सब चीजों का मेरा प्रोजेक्ट हुआ। जितना हो सकता है कि बेस्ट फाइंड करूं, बिकॉज अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे तो वहां पे आपको 2 स्टार 3 स्टार होटल्स नहीं मिलेंगे, तो बेस्ट जो लोकेशन होगा वो उस पर आपको डिपेंड रहना होता है। तो ये सब चीजें मैं लिख देता हूँ अपने टूर्स में पहले से, कि ऐसे ऐसे चीजें हैं जिससे आप वहां पे जाके आप देखो कि जो चीजें मैंने लिखी वही मेरे वहां पे भी है, ऐसा बड़ा चढ़ा के कुछ लिखता नहीं हूँ मैं अपने इसमें ट्रिप में वैसी चीजें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत सारी चीजें बताई। हाँ थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और ये बिजी आपके शेड्यूल से और हमारे साथ आपने बात किया। थैंक थैंक यू अंजलि इस सब चीजों यू के लिए, सो मुझे मच। बताने के लिए, और सभी को घर पे रहे हाँ और घर पे रहे, सुरक्षित कोरोना रहे। से बचे, जितना सुरक्षित हो सकता है उतना बचे, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, और ट्रिप तो होता रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट हाँ है खुद को बचाना, यस और सर, वो जरूरी है खुद को बचाना, ट्रिप तो कहीं जा नहीं रहे, लोकेशंस हुई है, बर्ड्स हुई है, हो सकता है तो विंडो बर्डिंग करिए आपने यस सर, ऐसे। वो तो चालू ही है, शायद हम सबका हाँ ही चालू है विंडो बर्डिंग। राइट राइट, सबका होना चाहिए, थोड़ा रूटीन लाइफ से बाहर आना जरूरी है। यह काम पसंद आया हो तो पेट्रियन पे जाकर हमारी मदद कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।